देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। व्हाट्सएप पर विवाद बयान देना साध्वी प्रज्ञा को पड़ा भारी, रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटाया। आज शाम को शपथ लेंगे उद्धव, शिवाजी किले की थीम पर बन रहा है मंच। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, लेकिन उद्धव की शपथ से गांधी परिवार दूर। दिल्ली में बारिश से गिरा पारा, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। और अब गांव कस्बे तक पहुंचेगी रक्तदान की सुविधा, 14 मोबाइल वैन लगाएंगे कैंप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के आर गोदारा और खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर जहां बड़ा फैसला लिया गया है, उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया गया है। ये जानकारी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दी है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा इस सत्र से उन्हें संसदीय दल की बैठकों में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर द्वारा बुधवार को संसद में नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त करार दिए जाने के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरह के बयान और विचारधारा का समर्थन नहीं करती। प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। कांग्रेस सांसद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र के दशकों की राजनीति में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि कभी सत्ता से दूर रहकर इस पर पकड़ बनाए रखने वाले बालासाहेब ठाकरे के बेटे और शिवसेना प्रमुख आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में ठाकरे राज की शुरुआत हो जाएगी। राज्य में बने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के नेता के रूप में उद्धव को आज शिवाजी पार्क में शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद इस आयोजन को भव्य बनाया जा रहा है और भारी संख्या में शिवसेना और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे जिस मंच पर शपथ लेने वाले हैं, उसका निर्माण बॉलीवुड के मशहूर सेट डिजाइनर नितिन देसाई बना रहे हैं। इसे छत्रपति शिवाजी की ताजपोशी के समय रायगढ़ किले की थीम पर बनाया जा रहा है। मंच पर शिवाजी महाराज की मूर्ति और दरबार का स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावा राज मुद्रा भी होगी। वहीं और भी कई आकर्षक तैयारी की गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उद्धव ठाकरे आज शाम शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण और उनके शपथ ग्रहण की तैयारी बेहद भव्य है और इसमें लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम से कई बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। इनमें नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। संभवतः ये ममता बनर्जी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना हो पाए, क्योंकि आज वहाँ उपचुनाव की मतगणना है। इस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में सरकार बना रहे गठबंधन में शामिल तो है, लेकिन इसके बड़े नेता अब भी शपथ ग्रहण में शामिल होने पर कुछ नहीं बोले हैं। शिवसेना ने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर जब सोनिया गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार सुबह बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया था। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित हिमालय की सभी ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी होने से पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। लगातार बर्फबारी होने से कई जगह सफेद चादर ढक चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। हालांकि भारी बर्फबारी से पर्यटकों के बीच खुशी की लहर है। केदारनाथ सहित हिमालय की सभी ऊंची पहाड़ियों पर दूसरे दिन भी जोरदार बर्फबारी हुई। बीते दो दिन से पूरे जिले में ठंड से लोग ठिठुरने लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम पूरी तरह ठंडक भरा रहा। केदारनाथ में मंगलवार रात से ही भारी बर्फबारी हो रही है। मंदिर परिसर और संपूर्ण केदारपुरी में बर्फ की चादर से ढक चुकी है। यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अपने सीट बेल्ट नहीं ही बांधा तो अब आपका चालान कट सकता है। जी हाँ, ऐसा ही ई चालान जोधपुर यातायात पुलिस ने काटा है। मामला 15 नवंबर का है और चालान काटने वाला यातायात विभाग का एएसआई बोमाराम बताया जा रहा है। बाड़मेर निवासी 22 वर्षीय मनीष ने आरोप लगाया कि बोमाराम ने गलत तरीके से उसका चालान काटा है। गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे थे, नंबर प्लेट पर नंबर की जगह कोई नाम लिखा पाया गया था। मनीष का आरोप है कि चालान में पेनल्टी राशि बढ़ाने के लिए एएसआई ने चालान में लिखा कि पीछे बैठी सवारी के सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई थी। जानकारी के अनुसार मनीष ने गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिखकर यातायात नियमों का उल्लंघन किया, जिसका चालान कटना स्वाभाविक है, लेकिन नियमों के उल्लंघन के लिए नियम विरुद्ध चालान नहीं बनाया जा सकता। और अब इस गलत चालान को लेकर एएसआई भमाराम के खिलाफ बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सन सिटी में शहरी यातायात में लगी सिटी बसें आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रही है। इसके चलते शहरवासी हर समय सिटी बसों के खौफ के साए में जी रहा है। लंबे समय से बेखौफ आतंक मचा रही सिटी बसों की रफ्तार में पाबंदी लगने से
यातायात पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। शहर में ओवर स्पीड वाहन चलाने के कारण कई हादसे भी देखने को मिले हैं, मगर फिर भी सिटी बस ड्राइवरों की ओर से शहर में बेखौफ होकर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा रही है। इतने हादसे होने के बाद भी यातायात पुलिस की ओर से सिटी बसों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीते 2 साल में तेज रफ्तार से चल रही सिटी बसों की चपेट में आने से करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं अब शिक्षा के साथ फिटनेस पर भी ध्यान दे सकेगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के लिए जिम की व्यवस्था की है। ये जिम पहले से ही महाविद्यालय में चल रहा था, लेकिन 6 माह से बंद कर दिया गया था, जिसे हाल ही में दोबारा खोला गया है। रक्त जीवन और स्वच्छ रक्तदान की आदत को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का चिकित्सा विभाग प्रदेश के छोटे छोटे गांवों तक रक्तदान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके लिए 14 मोबाइल वैन तैयार की गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि इन मोबाइल रक्त संग्रहण वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों पर समेत विभिन्न जिलों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्त संग्रहण कर संबंधित जिले के ब्लड बैंकों को सौंपेंगे। पानी की खराब गुणवत्ता का जिंदगी पर असर किस कदर पड़ सकता है, इसकी एक बानगी झारखंड के एक गांव में देखी जा सकती है। पानी में मौजूद फ्लोराइड की वजह से यहां के गांव के लोगों को 50 साल की उम्र भी नसीब नहीं हो पा रही है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही शख्स 50 की उम्र को पार कर सका है। झारखंड में पलामू जिले के चुकरू गांव में जहरीले पानी ने जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। खराब पानी की वजह से गांव के ज्यादातर लोग बीमारी के शिकार हो चुके हैं। गंभीर बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो रही है। गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में फ्लोराइड की होने की वजह से लोगों को शारीरिक विकलांगता का शिकार होना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं संजय, नमस्ते राजस्थान से। आज मैं पट्टीपुरा ओवरब्रिज रसाला रोड, उसके बैक साइड में अगर बताना चाहूँ तो वहाँ पे बैक साइड के अंदर लाइफलाइन हॉस्पिटल है, और उसी रोड के ऊपर सब्जी मंडी भी है। और मैं सब्जी लाइफलाइन हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ। वहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे खूब सारा कचरा देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, और काफ़ी समय से इस समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप मेरे पीछे अगर देखना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ठेले पड़े हैं और कचरा XYZ पूर्ण रूप से पड़ा है। यहाँ पे एक बोर्ड भी पड़ा है, होर्डिंग बोर्ड पड़ा है, जो कि इस बोर्ड को अभी तक उठाया नहीं गया है। पिछले 1 महीने से यहाँ पे पड़ा है और 10-15 दिन से कचरा यहाँ पे एकत्र हुआ पड़ा है। तो यहाँ के जो मौजूद गण है, जो मेरे साथ उपस्थित है, कुलदीप सिंह जी राठौड़ साहब, मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नमस्ते राजस्थान चैनल के अंदर पधारे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सर, ये जो कचरे की समस्या है, ये कितने समय से है यहाँ पे, और आप इस समस्या को लेकर के कहाँ कहाँ पे गए, और इस समस्या का निवारण आपका हुआ है या नहीं हुआ, ये आप मुझे बताइए। सब जगह चला गया, नगर निगम में चला गया, नगर निगम के कर्मचारियों के पास में चला गया। मैं अपने राजस्थान पोर्टल पे इसकी शिकायत कर दी, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कचरा हटाते और ठेले वाले कचरा डाल देते, इतना कचरा डालते, सवेरे 3 बजे से कचरा डालना शुरू करते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे तक कचरा डालते हैं। 24 घंटे में 21 घंटे कचरा डालते हैं, और नगर निगम वाले आते उठा के वापस चले जाते हैं। इसके अलावा अवैध ये सारा कारोबार दारू का वगैरह, इतने हम भयभीत हैं इनसे, ठेला वालों से। ये तो है कम से कम 400-500, और हम घर वाले हैं, आटा में ढूंढ देते 5-10, और इनसे पूरे परेशान हैं। और ना नगर निगम साथ दे रहा है, ना पुलिस हमारा साथ दे रहा है। हम जब पुलिस में फ़ोन करते हैं तो 100 नंबर पे करते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कलेक्टर साहब के पास में जाएंगे या महापौर के पास में जाएंगे, सबके पास चले गए, ये कलेक्टर साहब के पास नहीं गए। बाकी ये कचरा प्रायोजित कचरा है, कुछ लोगों को मिलाकर ये कचरा बनाया गया है। इसलिए मैं राजस्थान पत्रिका के माध्यम से टीवी से अपील करता हूँ कि इस समस्या का शीघ्र निर्धारण किया जाए। धन्यवाद।